हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फ़ोन पे की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपका बी बी टेक एम ई एम टेक बी सी एम सी ए और एम बी ए वाले एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि इन फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। मोस्टली तो हमने ये कर रखा है कि ऑफ कैंपस हायरिंग के ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया हुआ है, क्योंकि अभी मोस्टली कोई अपडेट नहीं आ रही। मोस्टली अभी रिसेंटली जो आपको देखने को मिली है वो विप्रो, एसेंचर और एक टीसीएस से आई है, उसके अलावा किसी भी कंपनी से कोई अपडेट नहीं है। तो इसीलिए हमने ऑफ कैंपस हायरिंग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और जो आपके डाउट है उससे रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो एक बार आप गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फोन पे की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी में से एक है। ठीक है, इसकी जो प्रोफाइल का नाम है वो होने वाला ग्रेजुएट ट्रेनी, यानी कि अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट हो तो आपके लिए एडवांटेज होने वाला है, यानी कि 2021-22 तक एलिजिबल है, 23 वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इसकी लोकेशन पर। लोकेशन की अगर बात करें, लोकेशन होने वाली है बेंगलोर। ठीक है, और उसके बाद आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर दे सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी होने वाली है जीडी, और आपको रोल क्या मिलेगा, यू विल बी इन्वॉल्व इन ऑटोमेटिक प्रोसेस एंड एमआईएस, यू विल नीड टू कोलैबोरेट डिफरेंट टीम, यू विल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनेशन डेवलपिंग कम्युनिकेटिंग की मैट्रिक्स एंड बिजनेस ट्रेंड्स। फिर आईडियल, मतलब कि आप कैंडिडेट के पास क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, अबिलिटी टू मल्टीटास्क, वर्क ऑन ए डिवाइस, रेंज ऑफ रिक्वायरमेंट। और आप बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो इसमें आपका इंजीनियर बैकग्राउंड तो ऑब्वियस सी बात है एलिजिबल होने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन है देख सकते हो, इंजीनियर में कंप्यूटर साइंस, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, उसके अलावा एमबीए वाले भी एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अलावा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल को हुई क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, और एमएस ऑफिस वाले जो होते हैं उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा हो गया आपका स्क्रिप्टिंग नॉलेज, मतलब कि पाइथन और आर के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी आइडियल कैंडिडेट, और रोल भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।